कोतवाली निरीक्षक सहित दो सब इंस्पेक्टर व दो सिपाही को किया लाइन हाजिर। कोतवाली सहित बरखेड़ा थाना क्षेत्र में गोकसी को लेकर पुलिस अधीक्षक ने की कार्रवाई। पीलीभीत के थाना बरखेड़ा और कोतवाली क्षेत्र में गोकसी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। सभी पुराने मामलों में आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया, उसके बाद भी घटना लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना बरखेड़ा क्षेत्र में जिरोनिया चौकी इंचार्ज और दो सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया। इनके क्षेत्र में प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मिले थे, वहीं कोतवाली क्षेत्र में प्रतिबंधित पशुओं की खाल बरामद हुई थी। इसमें दो थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। कोतवाली सिटी के जो थाना प्रभारी थे उनको और उनके एक सब इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से उनको लाइन हाजिर कर दिया है, क्योंकि उनके यहाँ प्रतिबंधित पशु की खाल बरामद हुई थी। उन्होंने समय से सूचना नहीं दी थी और कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसी कारण उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है और उनकी प्रारंभिक जाँच भी बैठाल दी गई है। एडिशनल SP इसकी प्रारंभिक जाँच करेंगे। इसी क्रम में बरखेड़ा थाने में भी प्रतिबंधित पशु के अवशेष पाए गए थे, उस पर कार्रवाई समय से प्रभावी तरीके से ना कर पाने के कारण चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है, जिरोनिया चौकी इंचार्ज को। साथ ही साथ दो कांस्टेबल जो इसमें संलिप्त पाए जा रहे थे उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है, उसकी भी जाँच एडिशनल SP से कराई जा रही है।